जय हिंद दोस्तों। तालिबान ने जब से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है तो कई दिन से काबुल एयरपोर्ट जो हवाई अड्डा है उसके बाहर ये लगाया जा रहा था, आशंका लगाई जा रही थी कि यहाँ पर आतंकवादी हमला हो सकता है। तो वो दिन सामने भी आ गया, 26 अगस्त यानी कल काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 से 3 धमाके हुए, आतंकवादी हमला हुआ यानी धमाके किए गए, और उस धमाकों में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे ज़्यादातर तो अफगानी लोग हैं, और उसमें 13 जो अमेरिका आर्मी वहां पर काबुल एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर है, हवाई अड्डे पर जो है, जो रेस्क्यू कर रही है अपने अमेरिका लोगों को बाहर निकाल रही है, वहाँ पर जो फंसे हुए हैं उनमें अमेरिका आर्मी के 13 जवान भी मर गए, मौत हो गई उनकी। अब उसी को देखते हुए जो बाइडन ने कल रात ही जो बाइडन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यानी देश को संबोधित किया और कहा, लाल गुस्से में हो गए, रोने भी लगे और श्रद्धांजलि भी दी और कहा कि ये देश के हीरो थे जो अमेरिका सैनिक मारे गए, और उन्होंने कहा कि हम खोज कर जिन्होंने ये आतंकवादी हमला किया है, जो धमाका किया है, उन्हें खोज कर हम मारेंगे। वहीं साथ के साथ उन्होंने तालिबान का भी साथ दिया है, तालिबान की साथ देने का कहा है। उन्होंने क्या तालिबान को कहा है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर सबसे पहले ये बताता हूँ कि उन्होंने देश को जो संबोधित किया है उसमें उन्होंने क्या कहा है, आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका बेहद गुस्से में है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने हमले के लिए जिम्मेदार इस्लामिक स्टेट ISISI को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। अपने सैनिकों और आम अफगानियों की मौत पर भावुक हुए बाइडन ने कहा है कि ISIS को इसकी कीमत चुकानी होगी, हम इस जख्म को भूलेंगे नहीं, हम एक एक आतंकी को खोजकर मौत के घाट उतारेंगे। तो सर ये जो बाइडन ने कहा कि जो अमेरिका आर्मी के लोग मारे गए और अफगानी लोग मारे गए जिन्होंने भी ये कारनामा कहा है, हम उसे खोज कर मारेंगे। बाइडन ने ISIS के लिए कहा, हम माफ़ नहीं करेंगे, हम इस जख्म को भूलेंगे नहीं, हम खोजेंगे, शिकार करेंगे, और उन्होंने इन मौतों की कीमत चुकानी होगी, उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। राष्ट्रपति ने हमले को अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बुरा दिन करार देते हुए कहा कि निर्दोष लोगों की जान लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक मौजूद हैं। 31 तालिबान ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन निर्धारित की है। उसका कहना यह है कि यदि विदेशी सैनिक 31 तक देश छोड़कर नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। तो सर 31 अभी कुछ दिन पहले तालिबान ने कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान के ऊपर ये कहा था कि जो भी अमेरिका के सैनिक हो, बाहर के कोई भी जो दूसरे कंट्री के सैनिक अफगानिस्तान के अंदर हैं, वो 31 अगस्त तक ही रेस्क्यू करें, उसके बाद अगर वो नहीं जाते हैं तो हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे, ये भी चेतावनी दे चुके हैं जो तालिबान के लोग हैं। तालिबान ने भले ही डेडलाइन तय कर दी हो लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। बाइडन ने कहा है कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए हमलों में मारे गए अमेरिकी सर्विस के सदस्य हीरो थे, वो दूसरों के जीवन को बचाने के लिए खतरनाक मिशन में लगे हुए थे। वहीं आतंकी समूह ISIS के ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर काबुल हवाई अड्डे पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों ये देश को संबोधित करते हुए अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन ने सीधा कहा है कि जो तालिबान ने 31 अगस्त तक डेडलाइन जारी करी है उसके बाद फिर अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू जो 31 अगस्त के बाद भी जारी रहेगा और जब तक जारी रहेगा जब तक हमारे लोग सुरक्षित नहीं निकाले जाएंगे अफगानिस्तान से। अब दोस्तों ये जो हमला हुआ है इसके बाद सीधा जो बाइडन ने कहा है कि ISISI जो है उसने ये हमला किया है, वहीं इसके पीछे तालिबान का कोई भी हाथ नहीं है। जो बाइडन ने तालिबान का साथ देते हुए कहा क्योंकि और जो देश हैं जैसे भारत है, वो भारत की मीडिया वो इल्ज़ाम लगा रही है कि ISI और तालिबान की मिली भगत से ये धमाका हुआ, पर जो बाइडन ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि तालिबान की कोई भी मिली भगत से ISI ने हमला नहीं किया। ये खुद ही ISIS के जो है उसने ये खुद ही हमला किया, और ये जो जिन्होंने भी हमला किया है, जिन्होंने भी मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा, उनको हम खोजेंगे, उनको हम ढूंढेंगे और उन्हें मौत के घाट उतारेंगे। मैं दोस्तों ये जो हमले हो रहे हैं
ये अफगानिस्तान भारत से ज़्यादा दूर नहीं है, भारत के लिए भी टेंशन करने वाली बात है, क्योंकि अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये हमला हुआ है। अब तालिबान का अगली चाल क्या होगी ये आने वाला टाइम बताएगा। चलिए, आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेस जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।